कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला या मटर पनीर खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए ये यूनिक पनीर की रेसिपी लेके आया हूँ जो बनती है वाइट ग्रेवी में, जिसका नाम है पनीर काली मिर्च। इस रेसिपी में हम पहले पनीर को एक सिंपल सीजनिंग के साथ शैलो फ्राई करेंगे और बनाएंगे एक वर्सेटाइल वाइट ग्रेवी जिसे आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में डालेंगे एक क्यूब बटर। बटर जैसे ही पिघल जाए इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर को ऐसे बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। इन पनीर के क्यूब्स को अब हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे ऑन अ मीडियम फ्लेम। एक साइड से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे अब हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो गाइज हमारे पनीर के क्यूब्स दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा नमक। थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च। और यहाँ मेरे पास है फाइनली चॉप्ड धनिया की डंठल, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक मिनट मीडियम फ्लेम पे और सॉटे कर लेंगे। हमारे पनीर के क्यूब्स एकदम रेडी हैं, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आइए बनाते हैं अपनी पनीर काली मिर्च के लिए एक वाइट ग्रेवी। तो सेम पैन में मैं डाल रहा हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें जाएंगे थोड़े खड़े मसाले। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 तेज़पत्ता, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग। इन्हें हम आधे मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे ऑन अ मीडियम फ्लेम। अब मैं इसमें डालूंगा 3 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने रफली काट लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगा 8 से 10 लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का। इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे जब तक प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और प्याज में जो पानी है वो सूख नहीं जाता। प्याज हमारे थोड़े पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे मेरे पास है यहाँ 50 ग्राम काजू। ये 2 टुकड़े वाले काजू हैं जिन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। ये भी हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ढक के पका लेंगे 12 से 15 मिनट के लिए ऑन अ लो टू मीडियम फ्लेम। पंद्रह मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए हमारे मिक्सर का ऑलमोस्ट सारा पानी सूख चुका है। इसे मैंने बीच बीच में खोल के चलाया भी था। अब इसमें जो भी हमने खड़े मसाले डाले थे, छोटी इलायची को छोड़ के हम यहाँ सारे खड़े मसाले डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा करके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी वाइट ग्रेवी का मिक्सर एकदम तैयार है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पीसते वक्त आप पानी का यूज़ ना करें। अगर ज़रूरत पड़े तो 3 से 4 टेबलस्पून पानी आप पीसते वक्त डाल सकते हैं। अब यहाँ एक पैन में मैं डालूँगा 1 क्यूब बटर। बटर जैसे ही पिघल जाता है इसमें हम डालेंगे वो मिक्सर जो हमने पीस के रखा था।
इसे हम मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक ये पैन से सेपरेट नहीं हो जाता और ऑयल इसमें से रिलीज नहीं हो जाता। तो गाइस 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद ये देखिए मिक्सचर ने पैन को छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध और स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट हम और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने फ्राई किए हुए पनीर के क्यूब्स। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। गाइज मेक श्योर आप यहाँ काली मिर्च का पाउडर ना यूज़ करें, फ्रेश खड़ी काली मिर्च लें और उसे दरदरा पीस के यहाँ यूज़ करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें जाएगी थोड़ी फाइनली चॉप्ड धनिया की डंठल और 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला देंगे। आपकी पनीर काली मिर्च बनके एकदम तैयार है। अब आइए इसे डिश आउट करते हैं। गाइज आई होप आपको आज की ये पनीर काली मिर्च की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन दिस इज़ अक्षय साइनिंग ऑफ़।